हमारे अगले कॉलर हमारे देश से नहीं है बल्कि विदेश से हैं। न्यूजीलैंड से हमारे अगले कॉलर हैं जो जानना चाहते हैं नीलगिरी की खेती के बारे में। इनका नाम है गुरविंदर। सर, इन्होंने हमारा एक एपिसोड देखा था बातें खेती की का, और वहाँ से इनको नीलगिरी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। देखिए, नीलगिरी जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जी, और इसीलिए लोग इसको बहुत पसंद करते हैं कि 6 साल में ये हमारा पैसा देने योग्य हो जाता है अगर इसकी अच्छी तरीके से सेवा की जाए। अब सवाल इस बात का है कि इसके लिए बहुत पानी भी, अगर ज़्यादा पानी भरा हुआ हो तब भी नुकसान नहीं देता है, और रेगिस्तानी ज़मीन जो होती है वो इसके लिए सूट नहीं करती। अब इसको लगाने के लिए जब बात आती है तो हम कहते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर पर ये लगाना चाहिए। नीलगिरी, अगर हम केवल नीलगिरी ही लेने के लिए लगाते हैं तब तो हमारा लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो मैंने बताई वो होनी चाहिए, लेकिन 6 साल तक इसके साथ इसकी सहायक कोई फसल दूसरी लगा करके अगर हम और आमदनी लेना चाहते हैं, सघन खेती करना चाहते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी हम कर देंगे 6 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर ही रखेंगे, और उसके बीच में जो 6 मीटर हमने छोड़ा है उसमें हम कई फसलें ले सकते हैं, चाहे सब्जियों की फसल ले लें, चाहे मतलब ये आपका उड़द मूंग और ये लोबिया है ये इनको ले सकते हैं, यहाँ तक कि जो शुरू में जो पेड़ जब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है तब गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो जाती है इसमें जी। मतलब कि नीलगिरी के साथ साथ में आपके पास डबल मुनाफा कमाने का मौका होता है, आप 2-3 फसलें एक साथ लेके और मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि अगर दूसरी सहयोगी फसल लगानी है तो फिर उसकी लाइन से लाइन की दूरी पर जरूर ध्यान रखें, फिर वो 3 मीटर ना होकर के 6 मीटर हो जाती है जी। तो सर, क्या इस नीलगिरी की खेती में या नीलगिरी की फसल में कीट और रोग लगने की भी समस्या होती है? देखिए, इसमें ज्यादातर नीचे दीमक लगने की समस्या होती है, तो दीमक लगने की समस्या होती है तो इसमें जो भी फसल हम ले रहे हैं उसमें या नई फसल ले रहे हैं तो जब हम सिंचाई करते हैं तो 4 लीटर क्लोरोपॉलीफास लेकर के एक कच्चे से गड़े में नीचे छेद करके उसमें भर देना चाहिए, हल्के हल्के बूंद बूंद तरह तो टपकता रहे सिंचाई की नाली में और उससे खेत में जाता रहेगा, पूरे खेत में जो है फिर दीमक की समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर इसमें कोई आगे बढ़कर के 4-5 साल का पौधा हो जाता है, उसमें कोई कीड़ा लगता है जो तने को तना छेदक होता है तो उसमें भी हम क्लोरोपॉलीफास का स्प्रे कर देंगे तो वो नहीं लगेगा जी। और सर, इसके पौधे का बीज कहाँ से प्राप्त करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर लिया है जी। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर ये सारे जो पौधे हैं इन पौधों पर रिसर्च करता है और इनका बीज भी जो है सबको जिसकी आवश्यकता होती है उसको देता है जी। सर, आपसे मोटे मोटे तौर पर जानना चाहूंगी कि अगर नीलगिरी की खेती कोई किसान कर रहा है तो वो उपज की क्या उसमें संभावना होती है, मतलब अगर एक हेक्टेयर के हिसाब से मैं उपज की बात करूं तो किस हिसाब से आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नीलगिरी हमारा पौधा है इसके तने की मोटाई के हिसाब से ही इसकी कास्ट होती है जी। अब जैसा मैंने कहा कि उसकी पर्याप्त मात्रा में उसकी देखभाल हुई है और मिट्टी उसके लिए अच्छी अनुकूल वातावरण उसको अच्छा मिला है और तना मोटा हो गया तब तो उसमें पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है, और जब अगर हमारा पर्याप्त मात्रा में उसमें पानी नहीं मिल पाया उसको या पोषक तत्व से कायदे से मिट्टी हमारी कमजोर थी तो पोषक तत्व कम मिले तो बढ़ तो जाता है लेकिन तना बहुत पतला रहता है, पैदावार पे फर्क पड़ता है। इसलिए इसकी पर हेक्टर पैदावार उसकी अनुकूलता के अनुसार किस तरीके से वो बढ़ रहा है उसी हिसाब से निकाली जाता है जी। और सर, इसमें सिंचाई का क्या प्रावधान किया जाता है? सिंचाई जैसे और फसलों में देते हैं वैसे इसमें भी सिंचाई की जब आवश्यकता होती है गर्मी के दिनों में जो है कम से कम 15 दिन पे एक बार सिंचाई करनी चाहिए जी। और सर, इसका पौधे से हम कितने साल तक पैदावार इसकी पौधे की ले सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक खास बात यह है कि हम 6 साल में और अगर थोड़ा कम अगर लापरवाही हो गई तो 8 साल में इसको हम ले सकते काट लेते हैं और काट करके बेच देते हैं, और इसके बाद जैसे गन्ने की पेड़ी होती है गन्ना काटने के बाद दोबारा बुवाई नहीं करनी पड़ती तो इसी वजह से फिर से केले निकल आते हैं और पेड़ बन जाते हैं जी। और वो लगाए हुए पेड़ से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं जी।
मुझे उम्मीद है कि गुरविंदर जी आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, नीलगिरी की खेती के बारे में छोटी छोटी बातें भी आपको पता चल गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे सवाल पूछने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।